हिंदुस्तान से अपने आतंकियों और दुनिया में अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान अब आतंकियों को हिरासत में लेने का नाटक कर रहा है, जबकि सच ये है कि अभी भी पाकिस्तान में आतंक के अड्डे गुलजार हैं। लेकिन अब चौतरफा कूटनीतिक दबाव के चलते जैश सरगना मसूद अजहर के दो भाई समेत 44 आतंकियों को हिरासत में लेने के कुछ ही घंटे के भीतर पाकिस्तान ने जमात उद दाव और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर भी बैन लगा दिया है। खास बात यह है कि 4 मार्च को ही पाकिस्तान ने JUD को वॉच लिस्ट में रखा था, लेकिन एक ही दिन के भीतर उस पर बैन लगा दिया। मुंबई हमले के गुनाहगार आतंकी हाफिज सईद के इन दोनों संगठनों पर कुछ दिन पहले ही बैन हटाया गया था। हाफिज सईद इन दोनों संगठनों के जरिए करीब 300 धार्मिक शिक्षण संस्थान और स्कूल, अस्पताल, पब्लिशिंग हाउस और एम्बुलेंस सर्विस चलाता है। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई बार JUD पर बैन की कार्रवाई होती रही है, लेकिन कई बार वो सरकार के फैसले के खिलाफ